लड़कियां दो चार पैसे क्या कमाने लग जाएं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती हैं। और मुझे तो चाहिए सलीकामंद सीधी सादी बहू। जी मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे आजकल लड़कियों की तालीम बहुत ज़रूरी है। जी बेशक। घर में क्या मसरूफियात होती हैं तुम्हारी, कुछ कुकिंग वगैरह में दिलचस्पी है? कुकिंग का तो आंटी आप पूछे ही ना, कुकिंग में तो आप ही को बहुत इंटरेस्ट है। आपको पता है पूरा दिन यूट्यूब पे ना बस कुकिंग वीडियोस ही देखती रहती हैं, बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वैसे भी मेरे बेटे की दो ही शर्तें हैं, एक लड़की पढ़ी लिखी हो और दूसरा घरदारी में माहिर हो। वैसे बेटा क्या क्या बना लेती हो आप? क्या क्या नहीं बनाना आता आप ही को, इटालियन कॉन्टिनेंटल चाइनीज हर किस्म का खाना बना लेती हैं आप ही। माशाल्लाह माशाल्लाह, पर जरा कम गो लगती है। एक तरह से अच्छी बात है, मेरे बेटे अहमर को ना बातूनी लड़कियाँ बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर जॉब करने वाली लड़कियाँ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और एक तरह से ठीक भी है ना, क्योंकि भाई लड़कियाँ दो चार पैसे क्या कमाने लग जाएं, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लग जाती हैं। और मुझे तो चाहिए सलीकामंद सीधी सादी बहू। अगर ऐसी बात है आंटी तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि आप गलत जगह पे आ गई। ना तो मैं कम गो हूं और ना ही मुझे खाना पकाने में कोई इंटरेस्ट है। मैं तो अपने काम में इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे इन सब चीजों का टाइम ही नहीं मिलता। तुमने तो बताया था लड़की जॉब नहीं करती। इन्होंने तो मुझे यही बताया था। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि मैं जॉब नहीं करती हूँ, मेरा अपना काम है, एक सॉफ्टवेयर कंपनी चलाती हूँ मैं छोटी सी। आप छोड़ें इसकी बातों को, आप ये चाय लेना, मैं कबाब देती हूँ आपको। रहने दें, हम चलते हैं, खामा खाई में हमारा टाइम जाया किया आपने। छाया भी 1000 दफा कि अपना मुंह बंद रखा करो, कभी नहीं सुनती मेरी बात की।